नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ मुकुल प्रकाश और यूपी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी इस बुलेटिन में जिक्र होगा सूबे की तीन बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां पर भगवा रंग में मुरादाबाद रंग चुका है। दूसरी खबर में बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां राहुल गांधी के विरोध में स्वर अब बुलंद होने लगे हैं। वहीं तीसरी खबर में बात होगी हरदोई की दहड़ झील की। और अब जिक्र यूपी स्पेशल की पहली बड़ी खबर का। यूपी के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की नकली सबसे ज्यादा सीटों से पूरा प्रदेश भगवा रंग में नजर आने लगा है। वहीं मुरादाबाद के नगर निगम अध्यक्ष पद की शपथ को लेकर पंडाल को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भगवा रंग से रंगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। बीजेपी से जीते नगर निगम अध्यक्ष को कमिश्नर ने गोपी नेता की शपथ दिलाई। वहीं मेयर के साथ जीते सभी उम्मीदवारों ने गोपी नेता की शपथ ली। दूसरी तरफ सपा के चुने गए पार्षद भगवा रंग में रंग पंडाल का विरोध करते हुए उन्होंने शपथ ग्रहण से दूरी बनाए रखी। वहीं शपथ ग्रहण को लेकर जीते उम्मीदवारों में खुशी भी साफ तौर पर दिखाई दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में अभी नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें 16 में से 14 नगर निगमों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और अब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, जिसमें मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा स्टेज है, वो भगवा रंग में रंगा हुआ नजर जरूर आया और इस मौके पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। तो जनता को विकास का सपना दिखाकर जरूर यहां सर चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और उसके बाद से तो मुरादाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था और इस दौरान मुरादाबाद नगर निगम के मेयर को शपथ दिलाई गई थी। तमाम पार्षदों ने शपथ ली थी, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। दरअसल जो ये पूरा समारोह है वो पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया, जिसका समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और उनका कहना था कि आखिर जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये इस तरह से भगवा रंग में क्यों किया जा रहा है? अगर बीजेपी सरकार जनता की हितैषी है तो फिर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना वाकई गलत है। ज्यादा जानकारी के साथ मुरादाबाद से हमारे संवाददाता परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है, उनका क्या कहना है? क्या जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसके अंदर पूरी तरीके से भगवा रंग दिखाई दिया था, क्या उसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है? तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क परवेज से कट चुका है। बहरहाल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना था कि जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो वाजिब नहीं था, क्योंकि जो स्टेज सजाया गया था वो भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया था और इसी बात को उछालकर, इसी मुद्दे को उछालकर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाकर खुद को जनता का हितैषी साबित करने की कोशिश की। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध वाजिब था? ज्यादा जानकारी के साथ परवेज मुरादाबाद से हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है, क्या इसका विरोध करना वाकई वाजिब था, या फिर यूं कहें कि समाजवादी पार्टी खुद को जनता का हितैषी साबित करने के लिए इस तरह का विरोध कर रही है? हेलो परवेज, आवाज आप तक पहुंच रही है? परवेज आवाज आप तक पहुंच रही है? तो परवेज से हमारा संपर्क नहीं लग पा रहा है। मुरादाबाद का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का विरोध किया है। उनका कहना था कि जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वो वाकई वाजिब नहीं है, क्योंकि जो पूरा कार्यक्रम था वो भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था।
और ऐसे में जो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं भाया और यही वजह रही कि उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर बीजेपी खुद को जनता का हितैषी साबित करना चाहती है तो फिर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन वो भी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान क्यों किया जा रहा है? क्या वाकई जनता के साथ इसे छलावा कहा जा सकता है या फिर यूं कहें कि समाजवादी पार्टी हार के बाद पूरी तरीके से बौखला गई है? परवेज हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है शपथ ग्रहण समारोह का, इसके पीछे क्या वजह है? क्या जनता के सामने खुद को हितैषी साबित करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया है? हेलो 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 तो नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी की खिलाफत का दौर भी शुरू हो चुका है और इसकी वानगी मुरादाबाद में देखने को मिली। दरअसल मुरादाबाद नगर निगम में मेयर का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था और उस मौके पर पूरा जो स्टेज था वो पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया और इसी मुद्दे को उछालकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना था कि जनता के हितों के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई ये वाजिब है या फिर यूं कहें कि कहीं ना कहीं जनता के भीतर अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? और अब जिक्र करेंगे यूपी स्पेशल की दूसरी बड़ी खबर का। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में सम्राट साइकिल फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से अपनी जमीन को वापस करने की मांग की। इतना ही नहीं, किसानों ने न सिर्फ राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए बल्कि राहुल गांधी शर्म करो का बैनर भी टांग दिया। दरअसल जब राजीव गांधी अमेठी से सांसद थे तब उन्होंने इस फैक्ट्री का निर्माण कराया था, लेकिन इस जमीन पर कागजी तौर पर किसी और का हक है, लेकिन यह जमीन अभी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के कब्जे में ही है, जिसके चलते नाराज किसानों ने कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर जमीन वापस करने की मांग की है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद अब राहुल गांधी की खिलाफत का दौर भी तेज होता जा रहा है। उनके ही संसदीय क्षेत्र अमेठी में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है और उनके हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। दरअसल जब राजीव गांधी अमेठी से सांसद थे तब उन्होंने ही इस फैक्ट्री का निर्माण कराया था, लेकिन इस जमीन पर कागजी तौर पर यूपीएसआईडीसी का हक है, लेकिन यह जमीन अभी भी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के कब्जे में है और यही वजह है कि किसान इससे नाराज हैं। उन्हें ये बात नहीं भा रही जिसके चलते उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। अब सवाल इस बात का है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, वहीं अगर इस तरह की नारेबाजी होने लगेगी तो वाकई कांग्रेस कहां बैठ रही है, कहां उसकी जगह उत्तर प्रदेश में है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी ने हम लोगों की सारी जमीन फैक्ट्री में ले लिया और वादा किया था कि हम आप लोगों को नौकरी देंगे, उसके बाद नौकरी न देने के बजाय क्या किया कि इस पे जो है सब अपने जो है ये जो है अपने नाम करवा लिया जमीन को और हम लोग जो है शिक्षित होकर के बेरोजगार हो गए हैं, इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं। कई बार कहा कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मशीन भी उठा ले गए और रोजगार भी छिन गया और हम लोगों को जल्द से जल्द इस पे जो है जमीन वापस कर दें और जमीन अगर नहीं वापस होगी तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और इस पे जबरदस्ती कब्जा करेंगे।
किसानों ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अगर उनकी मांग पर जल्द से जल्द अमल नहीं किया गया या फिर उनकी मांग को अनसुना किया गया तो वो अपने आंदोलन को उग्र करने से भी गुरेज नहीं करने वाले हैं। दरअसल यूपीएस आईडीसी का इस जमीन पर हक है कागजी तौर पर, लेकिन ये जमीन अभी भी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के कब्जे में ही है और इस बात का विरोध किसान सड़कों पर उतरकर जमकर कर रहे हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए, जिसके चलते किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपीएस आईडीसी का हक है उस जमीन पर, लेकिन ये जमीन अभी तक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के कब्जे में है, तो क्या वाकई किसानों का प्रदर्शन वाजिब नहीं है? देखिए, यूपीएस आईडीसी ने उस जमीन को सम्राट बाइसिकल को अलॉटेड की, उसके बाद उसको कोर्ट के डायरेक्शन में, कोर्ट के निर्देश से आसन में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने लिया है जी। तो जब राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने उसको बाकायदे नियमता आसन में लिया है, तो किसानों का जो ये है, उसमें किसान कोई नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, बीच बीच में उसको मुद्दा बनाते रहते हैं। और वो फैक्ट्री जब लगी थी, जब उस समय सम्राट बाइसिकल चालू हुई थी। सर आप कैसे कह रहे हैं, योगेंद्र जी आप कैसे कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लोग हैं? हम आपको बाइट सुनवाते हैं, आप एक मिनट रुकिए, हम आपको बाइट सुनवा रहे हैं, आप बाइट सुनिए, देखिए और सुनिए किसानों की समस्या। इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी ने हम लोगों की सारी जमीन फैक्ट्री में ले लिया और वादा किया था कि हम आप लोगों को नौकरी देंगे, उसके बाद नौकरी न देने के बजाय क्या किया कि इस पे जो है सब अपने जो है ये जो है अपने नाम करवा लिया जमीन को, और हम लोग जो है शिक्षित होकर के बेरोजगार हो गए हैं, इधर उधर मारे घूम रहे हैं। कई बार कहा कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मशीन भी उठा ले गए और रोजगार भी छिन गया, और हम लोगों को जल्द से जल्द इस पे जो है जमीन वापस कर दें, और जमीन अगर नहीं वापस होगी तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और इस पे जबरदस्ती कब्जा करेंगे। योगेंद्र जी, सुना आपने? हमने सुना है, हम हैदराबाद से पहले से भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर नौकरी की बात थी, सम्राट बाइसिकल कब लगी? सर आपके पास क्या आधार है? आधार तो बता दीजिए क्या है कम से कम। आधार सारे आधार है, जो लोग बोल रहे हैं यूपीएसआईडीसी ने इनसे जमीन ली थी तब फैक्ट्री लगी। कमाल है सर, किसान अपनी समस्या बता रहा है, आप उसको बीजेपी का मेंबर बता रहे हैं। गांधी जी ने, इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक होगा जी, इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक होगा? किसान अपनी समस्या बता रहे हैं, आप उसे बीजेपी का मेंबर बता रहे हैं, हद हो गई सर। किसान अपनी समस्या क्या बता रहे हैं आप बताइए, कोई चीज अगर सर अभी तो हमने आपको पूरी बाइट सुना दी। यूपीएस आईडीसी की जमीन है, उसका हक है भैया, वो अभी तक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के कब्जे में है। सम्राट बाइसिकल फैक्ट्री कब लगी थी, तब से आज तक वो लोग कहाँ थे? अब जब उनको भाजपा के कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने किसानों से जमीन थोड़े ली है, उसने तो नीलामी में ली, यूपीएस आईडीसी से ली जी। योगेंद्र जी, किसानों से जमीन किसने लिया था? किसानों से जमीन यूपीएसआईडीसी ने लिया था, उसके बाद फैक्ट्री लगी थी, कितने बर्फ हो गए इन बातों को। नहीं तो चलिए, कुछ तो आप आश्वासन दीजिए ना कि आने वाले समय में किसानों की समस्या को संज्ञान में लेकर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई की जाएगी। इसको किसान जो एक्चुअल में किसान है वो जानता है कि राहुल गांधी जी के अलावा किसानों की बात करने वाला कोई नहीं है, नेहरू जी से लेकर। वो हमने देख लिया सर, वो हमने देख लिया नगर निकाय चुनाव में हमने देख लिया सर, नगर निकाय चुनाव में हमने देख लिया। क्या देख लिया नगर निकाय चुनाव में? अमेठी सही सर, अब हार गई कांग्रेस, और क्या, कौन जीता है भैया? सर आप बताइए ना, हम तो आपको बता रहे हैं, आप बता रहे हो किस तरह का हाल हुआ है कांग्रेस का अमेठी में जी। अमेठी से राजेश मसाला जो जीता है, इसके पहले भी था वहां से समाजवादी से। सर आप तो एक मेंबर से नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे पर आरोप भले ही लगाता रहे, लेकिन इस बीच राजनीति की चक्की के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसान पिस रहा है, उनकी समस्याओं पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे वाजिब है? क्या वाकई राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के कब्जे के अंदर ये जमीन है? जी, जैसा कि राहुल जी ने मामला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कोशिश के बाद मामला ये जो चिन्ह था ये बोतल से बाहर निकला है। यह जमीन जो थी वो
मेसर के नाम से थी, सम्राट साइकिल के नाम से थी, उसके बावजूद एलसीएम की कोर्ट ने इस फैसले को रिवर्ट करते हुए इस जमीन को वापस ले लिया था, जिसके बावजूद भी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट इसके अवैधानिक रूप से अवैध कब्जा किए हुए। जी योगेंद्र, क्या किसी तरह का आश्वासन अभी तक किसानों को दिया गया है प्रशासन की तरफ से? जैसा कि इस मामले में प्रशासन ने सख्ती तो बरती थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मामला बहुत पुराना है। राजीव गांधी जिस समय यहाँ से संसद हुआ करते थे, उस दरमियान सन 80 के दशक में जमीन का ग्रहण हुआ था, उसके बावजूद भी आज तक कहीं ना कहीं जिन किसानों की इस जमीन को अधिग्रहित किया गया था, उनको ना तो अभी मुआवजा मिला है, ना ही उनकी जमीन वापस की गई है। तो इसमें यह कहना सही ना कहीं सही ही बैठेगा कि प्रशासन की मिली भगत से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट उसे अवैध रूप से कब्जा दाखिल किए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। एक तरफ राजनीतिक दल इस मुद्दे को उछालकर खूब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। किसी भी दल को इस बात में भी कोई शक नहीं है। और अब रुख करेंगे यूपी स्पेशल की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर का। यूपी के हरदोई की दहर झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक खास जगह है, लेकिन यहाँ के बुरे हालात प्रवासी पक्षियों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। दरअसल बारिश ना होने से दहर झील प्यासी बैठी हुई है, जिसके चलते दूर दराज से आए पक्षियों को पानी की कमी महसूस होने से उनका आना कम हो गया है, जिसके चलते पक्षियों को देखने वाले पर्यटकों में भी कमी देखने को मिली है। प्रशासन ने पानी की कमी को दूर करने के लिए नलकूप तो लगवा दिए हैं, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही से दहर झील में पानी नहीं छोड़े जाने से हालात जस के तस बने हुए हैं। बावजूद इसके दूर दूर से आने वाले पक्षियों की तादाद को देखते हुए प्रशासन ने कोई ठोस इंतजाम नहीं किए हैं। तो अधिकारियों की लापरवाही की भेंट दहर झील चढ़ती जा रही है। दरअसल इस झील में पानी की कमी है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से हालात झील के सूखे नजर आ रहे हैं, लेकिन मामले पर कार्रवाई करने वाला अभी तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हरदोई से हमारे संवाददाता फैजी खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजी, जिस तरह से दहर झील का पानी लगातार कम होता जा रहा है, अभी तक प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की टॉप रैंकिंग में ये दहर झील गिनी जाती थी, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जो पक्षी हैं, मंगोलिया से, चीन से, यूरोप की तरफ से जो आने वाले पक्षी हैं, जो सर्दियों में अक्टूबर के माह में आते हैं दहर झील में और यहां प्रवास करते हैं मार्च तक। पिछले 5 सालों से यहाँ का जो पानी है वो बराबर सूखता चला जा रहा है, दिन ब दिन यहाँ की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अमला इस पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। पिछली समाजवादी सरकार ने 4,66,00,000 रुपया बजट इसके लिए आवंटित किया था, नलकूप विभाग को ये पूरा रुपया दिया गया था ताकि एक लिफ्ट कैनाल बनाया जा सके, जो गर्रा नदी से पानी लाकर सांडी पक्षी विहार तक पहुंचाए, जिससे यहाँ पर पुनः पक्षियों का आवागमन शुरू हो और ये फिर से जो है यहाँ जो लोगों का आना बंद हो चुका है, पर्यटकों ने आना बिल्कुल बंद कर दिया है, वो फिर से इसकी बहाली हो सके। लेकिन उन पैसों का क्या हुआ, कितना काम हुआ, इसका जवाब देने वाला अभी भी कोई प्रशासनिक अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। कल नलकूप विभाग के जो एक्सीएन हैं बीबी सिंह, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कैमरे पे कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया और ये भी कहा कि इसके लिए अभी कम से कम साल भर लगेगा। तो सवाल जरूर बड़ा उठता है, जो पर्यटक स्थल है, जो कभी को यूपी की टॉप रैंकिंग में होते थे, और इन पर जो ध्यान न देने की वजह से इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। फैजी खान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछली समाजवादी सरकार ने फंड जारी किया था, बजट जारी किया था, जिसके चलते झील की हालत में सुधार किया जा सके, वो फंड कहां गया इस बात का किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या विभागीय अधिकारियों ने ही फंड को गबन कर लिया, हड़प लिया, क्या ऐसी आशंका जताई जा सकती है?
देखिए निश्चित तौर पर जो नलकूप विभाग के गुप्त सूत्र हैं उनसे जब बात की तो पता चला कि जो इनसे पहले बीबी सिंह से पहले यहाँ पर कमलेश पांडे जो अधिशासी अभियंता नलकूप विभाग हुआ करते थे उनके जमाने में ये 4,66,00,000 रुपया आया था जिसमें से 3 करोड़ रुपए की उन्होंने मशीनरी या और तमाम चीजों के मदों में पैसा खर्च कर दिया, लेकिन किस तरह की मशीनरी आई, कहां पर लगाई गई, उसका क्या हुआ, इसका कुछ पता नहीं है। बताया जाता है कि 3 करोड़ रुपए का घालमेल हो गया, कैसे कहां किस तरह से खर्च किया गया इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। 1 करोड़ रुपया बताया जाता है फंड में है जिसको लेकर अभी काम चल रहा है। बीबी सिंह का भी कहना है जो इस समय मौजूदा अधिशासी अभियंता है कि इनसे पहले जो अधिकारी रहे उन्होंने क्या किया वो बेहद शर्मनाक था, लेकिन जो भी है साधन जुटाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ा मसला है, ये अंतर्राष्ट्रीय पक्षियों से जुड़ा हुआ मसला है, लिहाजा मुख्य नजर रहती है लोगों की इस पे, देश विदेश के लोगों की नजर रहती है। यूपी की टॉक रैंकिंग में शुमार था हरदोई का ये सांडी पक्षी विहार, लेकिन पैसों के घालमेल से या लोगों की जिम्मेदार लोगों की निगाह ठीक तरह न होने की वजह से इसकी हालत बद से बदतर बनती जा रही है। जी फैजी, एक तरफ हम देखते हैं कि जो सरकारें हैं वो अपने स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चलाती हैं, लेकिन उन योजनाओं को क्या ऐसा कहा जा सकता है कि निचले विभाग के अधिकारी ही पलीदा लगा रहे हैं? लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले को देखने के बाद तो साफ तौर पर कहा जा सकता है किस तरह जो बेजुबान है, बेजुबानों के नाम पर जो पैसा जारी किया था सरकार ने, बेजुबानों पर रहम न खाकर इस पैसों का बंदरबांट हो गया, किस तरह से 4,66,00,000 रुपया जो एक मोटी रकम होती है कहां पर लगाया गया, किस तरह उसका कहां पर बनाया गया, जो लिफ्ट कैनाल बन रहा था उसमें महज एक स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिया गया है। जुलाई तक नलकूप विभाग को वहां पानी पहुंचाना था लेकिन दिसंबर माह हो गया है, क्योंकि जुलाई का वक्त इसलिए दिया गया था कि अक्टूबर में जो प्रवासी पक्षी है वो सांडी पक्षी विहार आते थे और मार्च तक माने फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक तक वहां से निकल जाते थे, इसलिए जुलाई का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन दिसंबर माह चल रहा है, बावजूद इसके अभी तक नलकूप विभाग का लिफ्ट कैनाल तैयार नहीं हो सका है तो पानी क्या पहुंचाएगा, ये सवाल जरूर बना हुआ है। अब बहुत शुक्रिया फैजी खान जानकारी के लिए। तो नलकूप विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और उठना भी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि नलकूप की व्यवस्था जून जुलाई तक की जानी थी लेकिन दिसंबर आ चुका है, अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। नतीजतन जो निचले विभाग के अधिकारी हैं वो सरकार की योजनाओं को जमकर पलीता लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पर्यटन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। दरअसल बाहरी देशों के पक्षी आकर यहां पर प्रवास करते हैं और विश्व स्तर पर इस देहरा झील की मान्यता है, लेकिन अब जिस तरीके से पक्षियों की तादाद कम होती जा रही है वाकई ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार जो विभागीय अधिकारी हैं वो इस तरह की लापरवाही क्यों दिखाई जा रही है। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि पिछली समाजवादी सरकार ने भी देहरा झील की हालत सुधारने के लिए बजट जारी किया था, लेकिन वो बजट कहां गया, क्या वो बजट गड़बड़ झाले की भेंट चढ़ गया, इस तरह की आशंका जरूर जताई जा रही है। इसके अलावा जो अधिशासी अभियंता है यहां का वो भी सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अगर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएं बना रही हैं, नीतियां बना रही हैं, तो फिर निचले विभाग के अधिकारी अगर उसमें अपनी सहभागिता नहीं निभाएंगे तो फिर पर्यटन किस तरह से बढ़ पाएगा, पर्यटन की दिशा सूबे की किस तरह की होगी, इस बात का अंदाजा देहरा झील की हालत से आसानी से लगाया जा सकता है। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।